वेलकम बैक एवरी वन. हाउ आर यू ऑल? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो. ओके, सो थैंक्स ऑल माई सब्सक्राइबर्स, दोज हु सपोर्टेड मी अलॉट. ओके, सो आज हम क्या रीड करने वाले हैं? द ओल्ड मैन एंड द टाइगर. ओके, दैट विच इज द लेसन फ्रॉम क्लास थर्ड ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश. ओके, सो लेट स्टार्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स गेट रेडी. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक बहुत गरीब आदमी था, एक गरीब बूढ़ा आदमी था, जो कि अपनी बहुत बड़ी फैमिली के साथ में एक छोटे से हट में, छोटे से झोपड़े में रहता था जंगल के बीच में. His sons and daughters were very young. और उसके जो बच्चे थे, जो उसके जो बेटे और बेटियां थे, बहुत ही छोटे थे, very young, बहुत छोटे थे. They could not help him earn money. That's why वो उनको कोई मनी जो अर्न करने में हेल्प नहीं कर पाते थे. His wife was too busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. और उसकी जो वाइफ थी वो भी बहुत बिजी रहती थी, जो घर के जो भी काम है, वॉशिंग है, कुकिंग है, जो बच्चों को देखभाल करना. ओके, she could not help him earn money. So वो भी कोई हेल्प उसको नहीं कर पाती थी पैसा कमाने. Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. तो हर दिन जो ओल्ड मैन था वो बहुत जंगल में गहरे से जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटता था. ही गैदर्ड द वुड टाइड इन अ बंडल एंड कैरिड इट ऑन हिज डोंकी टू अ नियर बाय विलेज मार्केट. वो क्या करता था, वो बूढ़ा आदमी जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था, उनको इकट्ठा करता था, उनको एक बंडल में बांधता था, उसे अपने डोंकी की पीठ पे लाद के जो है मार्केट में, जो गांव का जो मार्केट था उसमें वो ले जाता था. ही सोल्ड द वुड एंड बॉट फूड फॉर हिज फैमिली. और उन लकड़ियों को बेचकर वो क्या करता था भाई, अपने परिवार के लिए खाना खरीदता था. वन डे व्हेन द ओल्ड मैन वॉज बिजी विथ हिज वर्क ही हर्ड अ लाउड ग्राउल. एक दिन क्या हुआ, जब वो आदमी बहुत बिजी था अपने काम में, तो उसने एक बहुत ही लाउड एक ग्राउल सुनी. ग्राउल मीन्स क्या होता है, गुर्राना, किसी जानवर का गुर्राना. He put down his axe and stood very still. तो उसने क्या किया भाई, अपनी जो axe थी, जो कुल्हाड़ी थी, उसे एक तरफ रख के सीधा खड़ा हो गया, still, एकदम सीधा. He was afraid of ghost and he thought to himself, oh dear me, if that is a ghost, it may do me some harm. तो भाई उसने क्या सोचा कि वो बहुत डर गया, उसे लगा कि आसपास कोई भूत है. और उसने ये सोचा कि भाई, खुद ही ये सोचा कि अगर ये कोई भूत हुआ तो ये मुझे तो नुकसान पहुंचाएगा. ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, बहुत डर गया वो. जस्ट देन अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेज. तो थोड़ी देर बाद एक टाइगर जो है वो निकल के बाहर आया. सो माई डियर स्टूडेंट, सो आफ्टर टाइगर के आने के बाद क्या हुआ, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि कल मैं डालने वाली हूँ. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स ऑल्सो. मैथमेटिक्स पर भी मैं बहुत जल्दी अपने अपडेट्स डाल ही रही हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच.